हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम सीखेंगे एक स्विच और एक सॉकेट का बोर्ड कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमको लेना होगा एक स्विच और एक सॉकेट का बोर्ड। उसमें हम लेंगे 6 एम्पियर का वन वे स्विच, 6 एम्पियर का 3 पिन सॉकेट, और कनेक्शन करने के लिए हम यूज़ करेंगे 1 mm वायर पॉलीकैप कंपनी का। दो कलर में ले लेंगे, एक रेड और एक ब्लैक। सबसे पहले हम इसको स्क्रूइंग कर लेंगे स्विच और सॉकेट को। तो फ्रेंड्स, हमने इसका स्क्रूइंग कर लिया है इस तरीके से, आप देख सकते हो। और इसमें हमने लिया है हाईफाई कंपनी का स्विच सॉकेट। अब अपने इसका वायरिंग करेंगे। सॉकेट में हमेशा राइट साइड का होता है फेस और लेफ्ट साइड होता है न्यूट्रल। आप ऐसे सीधी तरीके से देखोगे, अब इसको आप उल्टा कर दोगे तो आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा, जो L लिखा हुआ है वो फेस और N का न्यूट्रल। तो हम फेस के लिए ये रेड कलर का वायर लेंगे और न्यूट्रल के लिए ब्लैक। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने स्विच बोर्ड का कनेक्शन करने के लिए वायर काट लिया है। अभी अपने स्टार्ट करेंगे कनेक्शन स्विच बोर्ड का। सबसे पहले लेंगे ये रेड वायर फेस के लिए, जो स्विच के नीचे वाले कॉन्टेक्ट में फिट करेंगे इस तरीके से। और उसका दूसरा साइड चले जाएगा बोर्ड के बाहर। फिर स्विच से सॉकेट के लिए कनेक्ट करने के लिए हम स्विच के ऊपर वाले कॉन्टेक्ट से फिट करके उसको लेके जाएंगे सॉकेट का जो L फेस लिखा होता है वो वाले कॉन्टेक्ट में, यानी कि लेफ्ट साइड के कॉन्टेक्ट में। उसके बाद हम ये न्यूट्रल वाला ब्लैक वायर लेके राइट साइड वाले कॉन्टेक्ट सॉकेट के फिट कर देंगे। ये हो गया कनेक्शन। अगर आपको अर्थिंग का वायर भी कॉन्टेक्ट करना है तो ये जो ऊपर वाला दिया होता है ये अर्थिंग का होता है, यहाँ पे आप ग्रीन वायर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसको फिट कर लेंगे बोर्ड में। इस तरीके से वायर बाहर निकालेंगे और ये स्क्रूइंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक स्विच और एक सॉकेट का बोर्ड बनके रेडी है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब अपने ये बनाए हुए बोर्ड को चेक कर लेते हैं। जैसे हमने ये बोर्ड को चेक किया, ये कम्प्लीटली हो गया है वायरिंग इसका। थैंक यू फ्रेंड्स।